इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि दिव्यांश, नैना और जेसिका एक हफ्ते से अपने शहर पर आए हुए ज़ॉम्बीज के आतंक में जी रहे हैं, लेकिन टीवी पर दिखाई जा रही एक न्यूज से उनको पता चलता है कि शहर के मेयर ने एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन का ऐलान किया है। और मेयर स्पीच में ये भी बताते हैं कि उनका ये ऑपरेशन शहर को ज़ॉम्बीज के आतंक से बचा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे इस कहानी में और क्या होने वाला है। ये कहानी मैं दिव्यांश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। अरे क्या यार, ये मंत्री जी इतनी देर से उस घर के अंदर क्यों गए हुए हैं? पता नहीं यार, मेरे ख्याल से अब हमें सो जाना चाहिए, और वैसे भी कल सुबह तक हमें पता चल ही जाएगा कि ऑपरेशन चंडीगढ़ में क्या हुआ। हाँ नैना, चलो अब सो ही जाते हैं। उस रात हम रोज की तरह सो तो गए, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता था कि सुबह होने से पहले ही हमें एक बार फिर उठना पड़ेगा। दिव्यांश उठ, जल्दी उठ दिव्यांश, दिव्यांश। क्या हुआ यार? दिव्यांश, बगल वाले अपार्टमेंट से बहुत ही अजीब आवाजें आ रही हैं। क्या? कैसी आवाज? जब मैंने ध्यान लगाकर दीवार के उस पार से आ रही आवाज को सुना तो मैं भी डर के मारे कांप उठा। ये तो वही आवाज है जो ज़ॉम्बीज निकालते हैं। हाँ सही कहा, और उसके साथ रोने की भी आवाज आ रही है। अरे नैना, बगल वाले घर में तो वही अंकल रहते हैं ना, जिनको थोड़ी देर पहले हम राशन देकर आए थे। हाँ दिव्यांश, उनका नाम है मिस्टर संदीप। ओ अच्छा, मिस्टर संदीप के घर में और कौन कौन रहता है? मिस्टर संदीप अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहते हैं। नैना, कहीं इनके घर ज़ॉम्बीज तो नहीं घुस गए? हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए यार। पागल है क्या? हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? तुम दोनों डरो मत यार, मैं अकेला ही जाकर देखता हूँ। मैंने बहुत ही केयरफुली दरवाजा खोला और मैं डरते हुए कदमों के साथ मिस्टर संदीप के घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने मिस्टर संदीप के दरवाजे पर थोड़ी देर तक नॉक करा और करीब 2 मिनट के बाद मुझे अंदर से आवाज आई, कौन कौन है बाहर? मिस्टर संदीप, मैं दिव्यांश। अभी कुछ ही घंटों पहले मैं आपके घर आया था ना, आपको राशन देने। हाँ बोलो। आपके घर से कुछ आवाजें आ रही थी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। ओके। मैं वहां से जाने ही वाला था कि तभी, हाँ हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, प्लीज हमारी मदद करो। पागल हो गई हो क्या पूजा, वो हमारी क्या मदद कर सकता है? चलो अंदर, चलो अंदर। अरे अरे, आराम से मिस्टर संदीप, आपकी वाइफ को चोट लग जाएगी। हमारे बेटे की मदद कर दो प्लीज, उसे बचा लो। क्या हो गया आपके बेटे को? परसों सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी और संदीप नहा रहे थे, तब पता नहीं भुवन को क्या सूझा और वो दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बीज को देखने लगा। भुवन की इस हरकत से अनजान मैं किचन में व्यस्त थी, लेकिन तभी मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। भुवन की रोने की आवाज सुनकर संदीप भी फौरन बाथरूम से बाहर आ गए और उन्होंने तुरंत ही दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन तब तक हमें जिसका डर था वो ऑलरेडी हो चुका था। भूवी के हाथ पर एक हल्की सी खरोच आ गई थी। हमने उस खरोच को अच्छे से साबुन से भी धोया और उस पे एंटीसेप्टिक भी लगाया,
लेकिन भूवी को कल दोपहर तेज बुखार चढ़ आया और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे बच्चे में ज़ॉम्बीज जैसे सिम्टम्स आ गए। क्या हम भुवन को देख सकते हैं? भुवन को देखकर तो हमारा कलेजा ही बाहर निकल आया। उसका शरीर लाल, आंखें धुंधली और व्यवहार एकदम आदमखोरों जैसा हो चुका था। प्लीज हमारे बेटे के बारे में किसी को मत बताना। अगर बाकी पड़ोसियों को इसके बारे में पता लगा तो वो इसे बिल्डिंग से बाहर निकालने को कहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मिस्टर संदीप, हम भूवी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन आप दोनों भूवी के पास मत जाइएगा, उसने हल्का सा भी काटा या खरोच मारी तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। हम तीनों किसी भी तरह भूवी की कोई मदद नहीं कर सकते थे और इसीलिए हम वापस लौट आए। बेचारा भूवी, क्या वो बच पाएगा? कुछ पता नहीं नैना, किसी को कुछ नहीं पता। कल रात से ही हमारे मेयर साहब चंडीगढ़ गए हुए थे, लेकिन आज सुबह वो वापस लौट आए हैं और अभी बस आधे घंटे में ही वो एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ 44 पे। तब तक मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। पता नहीं हमारे मेयर क्या खुलासा करने वाले हैं। हाँ यार, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। मुझसे भी नहीं रुका जा रहा। अबे मैं तो टॉयलेट की बात कर रहा था। मैं जल्दी से टॉयलेट होकर आता हूँ। जिस पल का आप सभी को इंतजार था वो पल आ चुका है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि मेयर साहब क्या खुलासा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे शहरवासियों, कल रात मैं और स्पेशल फोर्सेस का एक टीम 3 घंटे का ड्राइव करके चंडीगढ़ पहुंचा और प्रोफेसर अस्तित्व, ये मैसेज स्पेशली तुम्हारे लिए है। तुम जहां भी हो गौर से देख लो। प्रोफेसर अस्तित्व, तुमने हमारे शहर के लोगों को ज़ॉम्बी बनाया, तो देखो हम भी तुम्हारे शहर चंडीगढ़ से तुम्हारे माँ बाप को पकड़कर यहाँ अपने शहर ले आया। तुम्हारे पापा को ज़ॉम्बी से कटवा कर हमने उसे ज़ॉम्बी बना दिया है। और अगर तुम अपनी मम्मी को बचाना चाहते हो तो अब सरेंडर कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे का समय है प्रोफेसर अस्तित्व। अगर आज रात तक तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हारी माँ का भी ज़ॉम्बी बना देगा। हे भगवान, ये मेयर है या मॉन्स्टर? बेटे की करतूतों की सजा उसके माँ बाप को क्यों दे रहा है? ये मेयर का बच्चा, ये तो बहुत ही गंदा आदमी निकला। हाँ यार, ऐसा कौन करता है, बेचारे बूढ़े माँ बाप। चलो एक बार मिस्टर संदीप के घर देख कर आते हैं कि भूवी के क्या हाल हैं। मैंने भुवन के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है क्योंकि अगर वो हमें देखता रहता है तो हमें काटने को बेचैन हो जाता है। हाँ आपने ठीक किया, जब वो किसी को देख ही नहीं पाएगा तो थोड़ा शांत रहेगा। दोपहर के शायद 3:15 बज रहे थे जब टीवी पर एक डरा देने वाली खबर सुनने को मिली। ब्रेकिंग न्यूज, प्रोफेसर अस्तित्व ने अभी अभी मेयर ऑफिस में एक मेल भेजा है जिसमें उसने मेयर को धमकाते हुए लिखा है कि मेयर उसकी माँ को बिना कोई नुकसान पहुँचाए उसे सौंप दे, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इसके जवाब में मेयर साहब ने भी कुछ कहा है।
आज रात 9 बजे टाउन स्क्वायर पर मिलते हैं अस्तित्वा। अगर हिम्मत है तो आओ और अपनी माताजी को छुड़वा कर ले जाओ। बाप रे, ये प्रोफेसर अस्तित्व वर्सेस मेयर वाला मामला तो बहुत ही इंटेंस हो चुका है। हाँ यार, पता नहीं आज रात टाउन स्क्वायर में क्या होगा। क्यों ना हम तीनों भी टाउन स्क्वायर चलें और वहां पर लाइव देखें कि क्या होने वाला है। तू पागल है क्या जैस? मरने वाले काम क्यों करना चाहती है? यार जैसिका, वैसे तेरा आइडिया काफी अच्छा है। टाउन स्क्वायर जाकर तो अलग ही लेवल का लाइव एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, सोनू को ना तो हम वहां पर ले जा सकते हैं और ना ही घर पर अकेला छोड़ सकते हैं। ये बात तो सही कही तूने। सोनू को आज रात मिस्टर संदीप के घर छोड़ देते हैं। वैसे भी उनकी वाइफ कल से काफी दुखी है। अगर उनके साथ भुवन की उम्र का एक बच्चा समय बिताएगा तो वो अच्छा महसूस करेंगी। परफेक्ट आइडिया जैसिका। और हम टाउन स्क्वायर जाएंगे कैसे? पता है ना, वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और हमारे पास ना तो कोई स्कूटर या बाइक है और ना ही कोई कार। आई एम श्योर कि तेरे किसी ना किसी पड़ोसी के पास कार जरूर होगी, तो हम उनसे सिर्फ आज रात के लिए मांग लेंगे। वाह जैसिका वाह, आज तो तेरे अंदर से उछल उछल के बड़े ही एडवेंचरस आइडियाज बाहर आ रहे हैं। अच्छा चलो अब जल्दी करो, अभी 4:15 बज रहे हैं। अगर हमें टाउन स्क्वायर जाना है तो सूरज के ढलने से पहले ही वहां पर पहुंचना होगा, क्योंकि अंधेरा होने पर तो पूरे शहर की सड़कों पर ज़ॉम्बीज निकल आते हैं। हमने सोनू के लिए मिस्टर संदीप से बात करी तो वो भी सोनू को अपने पास रखने के लिए मान गए। हाँ हाँ जरूर, सोनू की चिंता बिल्कुल मत करो, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा। और कार हमने मिसेस शर्मा से ले ली। हाँ हाँ जरूर ले जाओ कार, पिछले एक हफ्ते से तुम बच्चों ने मेरी काफी मदद करी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं भी तुम्हारे काम आ पाऊँ। और फिर जल्दी ही हम तीनों दोस्त नैना के अपार्टमेंट को अच्छे से लॉक करके मिसेस शर्मा की गाड़ी लेकर टाउन स्क्वायर के लिए निकल पड़े। टाउन स्क्वायर पहुंचकर दिव्यांश, नैना और जैसिका को क्या दिखने वाला है, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा इस कहानी के फाइनल पार्ट का फाइनल एपिसोड।